अरे कोई बचाओ, कौन कौन हो, कौन है आप लोग? ये देख पुलिस। कबीर अहमद और जारा अहमद अंदर हैं, क्या चल रहा है घर में? भाई मजा आ गया कबीर, बहुत बढ़िया डिशेस बनाई है कबीर। कबीर सच में बहुत अच्छी बनी है। बेटा हम बहुत खुशकिस्मत हैं तुम जैसा बेटा पाकर। अम्मी माँ बाप की खिदमत करना एक औलाद का फर्ज होता है। अबू थोड़ा और। नहीं नहीं बस बहुत हो गया, बाद में लूंगा ना मैं। अबू थोड़ा अब... शुक्रिया कबीर। हम तुमसे एक सवाल पूछें? पूछो। ऐसा कहा जाता है कि औलाद की जन्नत माँ के पैरों के नीचे होती है और बाप जन्नत का दरवाजा होता है, और बच्चों की खिदमत के सबसे ज्यादा हकदार माँ बाप होते हैं। और तुमने भी अभी कहा कि औलाद का फर्ज होता है अपने माँ बाप की खिदमत करना। बिल्कुल सही, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि अपने माँ बाप से ऊंची आवाज में बात मत करो। अपने माँ बाप को राजी किए बिना किसी इंसान को जन्नत नहीं मिलती जारा, कभी नहीं। और उन लड़कियों का क्या कबीर जो शादीशुदा हैं और अपने माँ बाप की खिदमत भी करना चाहती हैं और उन माँ बाप के पास उन लड़कियों के सिवा कोई होता भी नहीं है, इस्लाम उन्हें क्या हुक्म देता है? शादी के बाद एक इंसान की जिम्मेदारियां वही रहती है जारा, बल्कि हमें तो लगता है कि ये बात अच्छी है कि शौहर और बीवी साथ में मिलकर अपनी जिम्मेदारियां निभाएं, क्योंकि जरा आखिर में माँ बाप तो माँ बाप है, शादी के बाद शादी के पहले। तो क्या तुम हमारा साथ दोगे? हमारे अम्मा और अब्बा की 25th मैरिज एनिवर्सरी है और वो हम मनाना चाहते हैं, तो जरूर देंगे, बिल्कुल देंगे। तो कब है एनिवर्सरी? कल। अरे तुम दोनों क्या, हम सब मिलकर मनाएंगे। हम नहीं मना पाएंगे। भैया ऐसे परेशान मत होइए, कोई खास बात नहीं है, बस आज हम पीर साहब के साथ उमराह पे निकल रहे हैं। आप भूल गई बेगम, इसलिए हम आपकी खुशियों में शरीक नहीं हो पाएंगे, मगर हमारी कमी कबीर पूरी करेगा, आप चिंता मत कीजिए, हम हैं ना। नहीं फातिमा खाला, हमने आपके बारे में मोहल्ले वालों को कुछ नहीं कहा। बीबी जी, दो लोग कबीर साहब और छोटी बहू को मिलने आए हैं। जी जारा और कबीर तो घर पर नहीं है, आपको क्या काम है? कबीर अहमद और जारा अहमद के नाम कश्मीर कोर्ट से संबंध। आयशा बहन आप तो मेरी बात समझती नहीं। फातिमा खाला चुप रहिए, एक मिनट। वो लिफाफा आप हमें दे दीजिए। ये रही चिट्ठी, आपकी बहू और बेटे आए तो उन्हें दे दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जारा और कबीर आए तो याद से दे देना। जी बीबी जी। सम्मान हमने पहुंचा दिया है, पंछी बस अब जाल में फंसने ही वाला है। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम अंकल आंटी को सीधे सीधे जाकर साफ साफ कह देते हैं कि अंकल आंटी आपकी मैरिज एनिवर्सरी है और हम धूमधाम से मनाना चाहते हैं, क्या कहते हो? वाह क्या आइडिया रीमा जी, है ना? थैंक्स यार। उसके बाद अंकल आंटी की डांट भी आप खाना। एक काम करते हैं, इसको भेज देते हैं, ये अपने हिसाब से बात कर लेगी। नहीं अरे यार देखो, एक तो अम्मा अब्बा अपनी एनिवर्सरी मनाते नहीं है, ऊपर से हमें उन्हें सरप्राइज भी देना है, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे। हमारे पास एक तरकीब है। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम बच्चों, वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बेटा, पहले ये बताओ कि तुम तीनों एक साथ कैसे, और वो छोटी शैतान की खाला
हमारी रीमा कहाँ है? किसी काम में फंस गई है। काजी साहब, जारा के कुछ खास दोस्त हैं और हम चाहते हैं कि उनके लिए एक फंक्शन रखें और ये फंक्शन यहाँ हो। जारा और हम चाहते हैं आपकी इजाजत। कमाल करते हो बेटा, जो कुछ यहाँ पे है ना सब तुम्हारा ही है, जो चाहे जैसा चाहे वो कर, ठीक है? बिल्कुल, आपकी अम्मा ने सही फरमाया। अम्मा अब्बा कबीर चाहते हैं कि जारा चाहती है। हम दोनों चाहते हैं कि शरिया बोर्ड के चेयरमैन और उनकी बेगम इस फंक्शन के गेस्ट ऑफ ऑनर बने। भाई हमारे बच्चों की चाहत है तो हम सौ जान से बनेंगे। तो फिर जल्दी से उठ जाइए, हमें चलना भी तो है। चलना है? जी बिल्कुल, आपकी शेरवानी लेनी, चलिए। और आपके लिए गरारा। मगर बेटा। अब्बा अम्मा लेकिन मगर ये वो कुछ नहीं, आप अपने दामाद के साथ जाइए और आप अपनी समधन की बेटी के साथ। जारा मतलब तुम आयशा बहन की बेटी बन गई? आपने तो बनाया है। चलिए अब देर मत करिए, जल्दी चलिए, चलो। वो लोग पहुंच गए हैं। वैसे जारा, अब्बा की शेरवानी तो देखो, शायद तुम्हें पसंद आ जाए। बहुत प्यारी है। ये क्या है जारा? पैसे जो तुमने आज अम्मा अब्बा पे खर्च किए, हमने बहुत दिनों से ऐसे ही मौके के लिए अपनी जेब खर्च से बचा के रखे थे। जारा तुम्हारे अम्मी अब्बा हमारे कुछ नहीं लगते। क्यों नहीं है कभी, लेकिन हम बस सोच लो, एक बेटे ने अपने माँ बाप की खिदमत की। कभी खिदमत फर्ज समझ के या मोहब्बत? और मोहब्बत अपना ख्याल रखें। आप भी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अबू। फरमाइए। हमें कबीर अहमद और उनकी बीवी जारा बेगम से मिलना है। हमें कबीर अहमद और ये हमारी बेगम जारा कबीर अहमद, बोलिए। हमने आज सुबह आप लोगों के लिए सम्मन छोड़ा था, मिल गया होगा आपको। कैसे सम्मन? कोर्ट का सम्मन। कल सुबह 11 बजे आप लोगों को श्रीनगर कोर्ट में हाजिर होना है। हाँ वो कबीर बेटा हम भूल गए, वो सुबह इन्होंने कोई कागज तो दिया था, हमने अफजल को दे दिया। रुको एक मिनट, अफजल कागज दिया था वो लेकर आना जल्दी। हमारे दिमाग से ही निकल गया। ये लीजिए। ये लो बेटा ये। कोई बात नहीं, आप दोनों इस पर दस्तखत कर दीजिए, कोर्ट का मामला है। ये लीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
किस चीज की गवाही? सिराज वाले केस की गवाही। क्या? गवाही? किसकी गवाही बेटा? नहीं अम्मी, किसी दोस्त के केस में गवाही देनी है बस। मतलब परेशान होने वाली बात तो नहीं? नहीं अम्मी, बिल्कुल नहीं। फिर तुम लोगों को निकलना है। नहीं जरूर, बिल्कुल। फ्लाइट का टाइम होना, जल्दी करो। कभी इस समन की वजह से अम्मी परेशान है। तुम मुस्कुरा रहे हो। बिल्कुल मुस्कुरा रहे। हमें मुस्कुराना नहीं चाहिए। हम सच में खुश है जारा। हमारी गवाही की वजह से सिराज को उसके गुनाहों की सजा मिलने वाली है। बताइए क्या है? सिर्फ समन नहीं, ये सबूत है कि इंसाफ आज भी जिंदा है। और हाँ, सही कहा तुमने, अम्मी परेशान है, मगर उसकी फिक्र तुम मत करो, हम है ना। ये बात अलग है कि कहीं तुम्हें तो डर नहीं लग रहा? जिसके पास तुम्हारे जैसा जिम्मेदार और फर्ज निभाने वाला शौहर हो, वो औरत ना कभी किसी से नहीं डर सकती। जिम्मेदार, फर्ज निभाने वाला। मोहब्बत करने वाला। उसमें थोड़े कच्चे हो, लेकिन कोई बात नहीं, सीख जाओगे। अपना ख्याल रखना। और जनाब, यहाँ की और फंक्शन की सारी जिम्मेदारियां तुम पर और रीमा पर। तुम दोनों आराम से जाओ, हम और रीमा सब संभाल लेंगे। अम्मी, जीनत भाभी और रुखसार कहाँ हैं? हाँ, वो दोनों अपने घर गई हैं, कुछ सफाइयां करवानी थी। कह रहे थे कि कोई नया किराएदार आने वाला है, इसलिए। अच्छा, तुम लोग ठीक से जाना और पहुंचकर फोन करना। जरूर अम्मी। अल्लाह हाफिज़ अम्मी। जी हाँ, वो लोग अभी लैंड कर गए और जस्ट अभी एयरपोर्ट से निकलेंगे वो लोग। ओके। हाँ, वो लोग होटल पहुंच चुके हैं। जी, हमारा एक रिजर्वेशन है। कबीर अहमद, शुक्रिया। थैंक यू। कौन सा रूम कहा आपने? 66। यहाँ से। रूम नंबर 66। कैसा चल रहा है सब कुछ? अरेंजमेंट्स हो गए? डेकोरेशन तो दिखा। अरे तो यहाँ की फिक्र मत कर, हम और इमरान तुम्हारी और कबीर की कमी पूरी कर रहे हैं यहाँ पे। अरे अरेंजमेंट्स तो दिखा, ये देख। बहुत अच्छे किए हैं। मेरी बात सुन, तेरा जो बैग है ना, उसके ना साइड पॉकेट में ना हमने कुछ रखा है, सरप्राइज है। यार तूने पिछली बार की तरह फिर से कुछ उल्टा सीधा तो नहीं रखा है ना? नहीं यार, इस बार ना बहुत शरीफों वाली चीज है, देख लेना। हाँ, साइड पॉकेट में। ओके, चलो बाय 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 बाय।
तुम्हारा तो नहीं? होटल में कहाँ ढूंढोगे अगर फिर से? होटल में कहाँ ढूंढोगे अगर फिर से चाहिए? चलो मार सर, कुछ नहीं। अरे हमारी कबीर, कबीर। भाई जान क्या कर रहे हैं आप? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। भैया सुनिए, आपने बहुत दाग दिया। देखिए। अरे भाई जान हमारी बीवी है वो। आपकी बीवी नहीं है। कबीर, आप पूरी छोड़ो। जरा पीछे जाओ। आपने बहुत दारू पी, आप जाइए, आप दूर जाइए। ऐसे लाख लाख शुक्र है कबीर कि हमें तुम जैसा शौहर मिला। जी तो जैसे आप देख रहे हैं, हमें ये समन मिला था आज कोर्ट में हाजिर होने के लिए। सिराज के केस में गवाही देनी थी, मगर जब हम वहाँ गए तो वो कह रहे कि ये केस दर्ज नहीं है वहाँ। ये हमारा समन नहीं है, आपको उसी पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा जहाँ का ये केस है। माफ कीजिएगा, पुलिस स्टेशन क्यों? ये तो कोर्ट का समन है। आपका जो केस नंबर है वो न तो आज न तो आने वाले एक हफ्ते में कम से कम हमारे कोर्ट में तो लिस्टेड नहीं है। इसलिए आप वही पुलिस स्टेशन जाइए जहां ये केस दर्ज है, वही आपको सही बता पाएंगे। लीजिए प्लीज। आप बार बार सही कह रहे हैं, चलो हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। शुक्रिया जनाब। शुक्रिया। मैडम जी, हमारा नाम है कबीर अहमद और ये है जारा कबीर अहमद, हमारी बेगम।
हम दोनों यहाँ लखनऊ से आए हैं। हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? मैडम जी, सच तो ये कि हम एक बड़ी अजीब सी मुश्किल में, हमें ये समन मिला था और आज कोर्ट में गवाही भी थी, मगर हम दोनों जब वहाँ गए तो वो केस दर्ज नहीं है, वहाँ ना ही लिस्टेड है। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कॉन्स्टेबल, इस केस की फाइल लेकर आओ। वो क्या है ना, केस पुलिस स्टेशन में मैंने कुछ दिन पहले ही ज्वाइन किया है, तो बहुत से केसेस अभी पता नहीं है। वैसे आपका केस क्या था? कुछ दिन पहले हम और हमारी बेगम यहाँ गुलमर्ग आए थे अपना हनीमून मनाने। निकाह के लिए तैयार हो जाइए। जो केस नंबर लिखा हुआ वो सीक्वेंस हमारे थाने से नहीं है। मतलब ये कि आपका ये केस कभी इस थाने में दर्ज हुआ ही नहीं। आपको कुछ धोखा हुआ है? जी नहीं, हमें कोई धोखा नहीं हुआ, ना हम किसी को धोखा दे रहे। नहीं, एक सेकंड रुको मैडम जी, हमने यहाँ खुद एफआईआर दर्ज किया था। एक मिनट। देखिए जनाब, मैंने ऑनलाइन भी चेक कर लिया है, पर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। अच्छा, आप अपने स्टाफ से पूछिए, हमारी और सिराज के बीच कहाँ सुनी हुई थी, उनके सामने हुई थी, आप प्लीज उनके साथ चेक। देखिए, क्या नाम बताया था आपने अपना? कबीर अहमद। जी कबीर साहब, ये पुलिस स्टेशन है और यहाँ जो कुछ भी होता है वो रोज नामचे में दर्ज किया जाता है और उसे अलग अलग समय पर कोर्ट भेज दिया जाता है। अगर यहाँ कुछ भी हुआ होता तो रोज नामचे में जरूर लिखा हुआ होता। मैं फिर से आपसे कह रही हूँ, आप लोगों को कोई धोखा हुआ है। ये क्या धोखा लगाया आपने? हम 1400 किलोमीटर दूर आए हैं, ना किसी को धोखा देने ना धोखा खाने, आप क्यों हमें कह? गुस्ताखी मां, हमारा यकीन कीजिए, हमने यहाँ एफआईआर दर्ज किया था और सिराज भी यहाँ बंद था। हम जरा हमें समझ में नहीं आ रहा कि इन लोग क्यों नहीं कर। जी वो सब इंस्पेक्टर वहां थे अभी जो गए। कौन? उन्होंने तो सिराज को गोली मारी थी। हम उनको बुला के आते हैं। आप रुकिए, बुला के लेके आओ। तुमने देखा अभी जो गुजर, वो सब बताएंगे। जनाब, हमारे और सिराज वाले केस की तफसील देंगे मैडम को? जनाब आपने हमें पहचाना नहीं। क्या हुआ सर? आपने तो हमें सिराज के यहाँ से रेस्क्यू किया था और आपने तो सिराज को गोली मारी थी। नहीं सर, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। इम्तियाज, इन दोनों को ध्यान से देखो, तुमने पहले इन्हें कभी देखा है? मैडम पिछले एक महीने से मैं छुट्टी पर था, मेरी शादी थी, अभी लौटा हूँ। जनाब हमें देखिए, आप थे वहाँ। कबीर साहब, आपको अभी भी लगता है कि ये केस इसी थाने का है? जी बिल्कुल जनाब। नहीं, मेरा मतलब है कि आप एक बार दोबारा सोच लीजिए। इम्तियाज, आप जा सकते हैं। जनाब आप याद कीजिए, आपने ही हमें जरा हमें समझ में नहीं आ रहा कि आप बैठिए ना प्लीज। देखिए आप लोग निराश ना होइए, आप एक बार दोबारा आराम से सोच लीजिए, मैं आप लोगों के लिए चाय मंगवाती हूँ। देखिए हो सकता है कि आपका ये केस इस पुलिस थाने में ना हुआ हो, किसी और जगह हुआ हो। एक सेकंड मैडम, एक सेकंड। अच्छा एक काम करते हैं, मैं
आसपास के पुलिस स्टेशन और हेड ऑफिस में पता करती हूँ। जी प्लीज जल्दी कीजिए आप। रीमा का वीडियो कॉल, कपिल, रीमा का वीडियो कॉल, अम्मा अब्बा की पार्टी। तुम बाहर जाके बात करो, जल्दी। जी जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। कबीर साहब देखिए, यहाँ ऐसा कोई भी केस किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं किया गया है। मैडम कमिश्नर साहब आपको बुला रहे हैं। हमारे ख्याल से आप अपना और हमारा दोनों का वक्त खराब कर रहे हैं। देखिए जनाब, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जो आप और आपकी बीवी कह रहे हैं। तो हमारी मानिए तो आप इस बात को एक डरावना ख्वाब समझकर भूल जाइए। तो सेकंड हनीमून कपल कहाँ घूम रहे हो? काय का हनीमून यार, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। खैर ये सब छोड़, ये बता अम्मा अब्बा कहाँ हैं? उन्हें दूल्हा दुल्हन बनाया या नहीं? Obviously यार, तू देखेगी ना। एक मिनट, एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम जारा जी। अब तुम लोग तो यहाँ पे हो नहीं, मगर हम तो हैं। हम थोड़ी अम्मे अब्बू को अकेले छोड़ेंगे। तो पेश है तुम्हारे सामने आज के सेलिब्रिटी गेस्ट। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसी हो बेटा? माशाल्लाह आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। तुम कबीर के साथ वहाँ हो और यहाँ तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारी अम्मा को दुल्हन की तरह सजा रखा है। हाँ तो जारा अपने अब्बू को देखो जरा, एकदम शादी वाली शेरवानी की तरह शेरवानी बनवाई है, एकदम मांझे के दूल्हे जैसे लग रहे तुम्हारे अब्बू। बेटा जारा, जारा आप कहाँ हो? जारा जारा कबीर कहाँ है? हाँ? अरे वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हें हमारा ये इंतजाम कैसा लगा? अरे वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ तुम लोग कब वापस आ रहे हो? हाँ एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, आप सब एक साथ इतने सारे सवाल पूछ रहे हैं, एक एक करके पूछिए। हैप्पी एनिवर्सरी अम्मा अब्बा, हैप्पी एनिवर्सरी। शुक्रिया, शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। हैप्पी एनिवर्सरी। वाह, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। चलिए केक काटिए जल्दी से। अरे रुकिए एक मिनट, एक मिनट, हम कबीर को बुला कर लाएं। जारा, 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 ये क्या हो रहा है? जारा, जारा, under arrest. लेके चलो।
इसे। अरे लेकिन छोड़िए हमें, छोड़िए हमें। दारा, दारा, दारा। अस्सलाम वालेकुम इमरान। वालेकुम सलाम कबीर। कैसे हो? तुम्हारे यहाँ फंक्शन कैसे चल रहा है? ज़ारा कहाँ है? क्या हुआ उसे? ज़ारा को क्या हो गया? वो तो तुम लोग के साथ वीडियो कॉल पर है और तुम भी तो उसी के साथ। उसे कुछ हो गया है कबीर, जल्दी जाकर देखो। किसी ने उसे हथकड़ियाँ लगाई है। ऐसा लगता है किसी ने उसे अरेस्ट किया है। इमरान तुम एक काम करो, तुम कश्मीर जाओ, वहाँ कबीर का साथ दो, वो वहाँ पे अकेले होगा, उसकी उसके साथ कोई तो होना चाहिए ना। एसबी साहब, एसबी साहब, हमारी बीवी को शायद कुछ हो गया, वो शायद वो अरेस्ट हो गई, हमें कुछ नहीं पता, पर कुछ हुआ है अभी। व्हाट? जी लेट्स गो, चलिए। सुनो, यहाँ किसी लड़की को अरेस्ट किया गया है, शायद कुछ हुआ है उसके साथ, इनकी बीवी है। खड़े क्यों हो? ढूंढो उसे, पता करो क्या हुआ है। आपको देखिए, हौसला रखिए, हम लोग हैं ना, सब ढूंढ रहे हैं उसे, मिल जाएगी। ज़ारा, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। रुकिए, ये इसी थाने की वैन है, आपकी बीवी इसके अंदर नहीं हो सकती। मेहरबानी करके हमारे लिए बस एक बार दरवाजा खोलिए। ठीक है, सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए। खोलो दरवाजा, जल्दी जल्दी खोलो। हमें देखिए कबीर साहब, रुकिए, आप हिम्मत रखिए, चलिए कहीं और ढूंढते हैं। चलिए। ज़ारा, 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 एसीबी साहिबा, ज़ारा का फोन, वीडियो कॉल पर थी, हमारे घर पे बात करी थी और फिर किसी ने उसे हथकड़ियाँ लगाई, हमें बताइए ऐसा क्यों करेगा कोई? कबीर जनाब, ये कश्मीर है और यहाँ के हालात ना दूसरे शहरों से अलग है, पता है ना आपको, यहाँ हर वक्त हर रोज सिक्योरिटी फोर्सेस हाई अलर्ट पर रहती है और किसी को कहीं भी किसी भी वक्त किसी भी जुर्म के शक पर गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ इस थाने में उसे अरेस्ट किया गया होता ना, तो हमें जरूर कॉन्फिडेंस में लिया गया होता। सिराज, एसीबी साहिबा, ये सिराज का काम है। आप बार बार एक ही बहन को सच साबित करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं कबीर साहब?
सिराज नाम का कोई आदमी है भी या नहीं ये साबित नहीं हुआ है। हमारी बीवी आपके स्टेशन के बाहर गायब हुई है और आप इसे वहम कह रहे हैं। देखिए, होश खोने से काम नहीं चलेगा। ये आपकी बीवी का मामला है और आपकी बीवी को ढूंढने के लिए हम हर मदद करने के लिए तैयार हैं। सिराज का पता हम जानते हैं। जब उसने किडनैप करके जारा को वहां रखा था, हम उसका पता जानते हैं। इसी भी साहब, प्लीज। ठीक है, ठीक है। आपकी बीवी का मामला है तो हम आपके साथ चलेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज जल्दी चलिए, गाड़ी निकालो। जल्दी कदम आगे बढ़ा वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। हम तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक आप हमें हमारा जुर्म नहीं बताती हैं। हमें फालतू क्यों? ये गलत है। क्या बदतमीजी है, छोड़िए हमें। चलो जी, किससे मिलना है? अरे अरे, क्या हुआ? कौन चाहिए? ये सिराज का घर है ना? हाँ। वो घर पे हैं? जी है। हमें मिलना है उनसे। आइए बैठिए। वैसे आप लोग सिराज से क्यों मिलना चाहते हैं? लीजिए, आ गया सिराज। ये सिराज नहीं है एसीबी साहिबा, ये सिराज नहीं है। हम आपसे कह रहे हैं, इस घर में तो यही सिराज है और ये मेरा घर है और ये मेरा बेटा है। झूठ बोल रहे हो तुम एसीबी साहिबा, ये झूठ बोल रहा है। सिराज, 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 बुजुर्गों की तरह कहां छुपे हो? सिराज, कबीर साहब, एसीबी साहिबा हम आपसे कह रहे, ये झूठ बोल रहा है। आप रुक जाइए, हम झूठ नहीं बोल रहे। अब आपको अभी दिखाते हैं। एसीपी साहिबा, ये सिराज नहीं है। आप रुकिए कबीर साहब, हम बात कर रहे हैं ना। ये देखिए, सरकार की दी हुई आईडी है, इसमें बेटे का नाम, पता, फोटो तीनों है। ये सही कह रहे हैं। से ये तो सब कबीर साहब, यहाँ कुछ नहीं है। चलिए यहाँ से। माफ कीजिएगा, आपका वक्त जाया गया। चलिए एसीपी साहब, हम कह रहे हैं, ये झूठ कह रहा है। हम क्या कर रहे हो आप लोग? बोलिए क्या कर रहे हैं आप लोग? हमें बताइए तो हमने जुर्म क्या किया जिसकी सजा मिल रही है? प्लीज खोलिए ये। कबीर, कबीर। देखिए कबीर साहब, आपकी बीवी के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं, पर उसे ढूंढने के लिए हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। कश्मीर में जारा के साथ ऐसा दूसरी बार हो रहा है। इस बार अगर जारा को कुछ हुआ, पूरे कश्मीर में हम आग लगा देंगे। माफ करना हमें। सुनो, यहाँ हमारी मदद के बिना तुम अपनी बीवी को तो क्या, उसके साये तक को नहीं ढूंढ पाओगे। कबीर, कोई प्लीज हमारे शौहर को बुलाओ। कबीर, आवाज मुझे पसंद नहीं है। बैठ यहाँ पर। चल। अरे अरे, क्या कर रही है? दूर रही हमसे।